नाश्ता कर लूं और चाय भी ठंडी हो रही है। पूरी फिनिश करो बाबा। अच्छा सुनो, शाम में जल्दी आ जाना। हाँ बाबा। खीर बना रही हूँ मैं आज, और अगर लेट होए ना तो कुछ नहीं मिलेगा, खाना फिर बाहर ही खा के आना। ओके ओके एंड डन। कुछ भूल रहे हो? मुझे याद था। हर रोज भूल जाते हो। बाय, टेक केयर। खाना टाइम पे खा लेना और मुझे फोन करना। पक्का पक्का। बाय बाय, सी यू। हाय हाय, चाय बना दूं? नहीं, थोड़ी देर से। सर में दर्द है क्या? नहीं यार, बस थोड़ा थक गया हूँ। फ्रेश हो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है, जितनी सैलरी उतना सही है हमारे लिए। डार्लिंग, मुझे इसी महीने में ना प्रमोशन चाहिए। अरे हाँ, प्रमोशन से याद आया, कल शाम को ना बॉस आ रहे हैं डिनर पे, तुम कुछ बढ़िया सा बना देना, क्या पता तुम्हारे खाने से इंप्रेस हो जाए। ठीक है, अब मैं कुछ बहुत बढ़िया सा बनाऊंगी और देखना तुम्हारे बॉस को इंप्रेस करती रहूंगी। यस, थैंक यू। जाओ अब फ्रेशन अप हो जाओ। हाँ यस। अरे सुनो। हाँ आओ। ये लो। सब हो गया ना? इसमें सब्जी है और इसमें पुलाव। और चपाती? चपाती तो गरम गरम बना के दूंगी ना। और मैं तुम्हारे बॉस की फेवरेट आइसक्रीम भी बना दिया है। थैंक यू सो मच। तुम जल्दी से चपाती बना लो, बॉस आते ही होंगे। डन। हाँ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, बस आज एक बार बॉस खुश हो जाए फिर तो मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा। लगता है आगे। वेलकम बॉस, आइए। वेलकम। आइए बॉस, बैठे ना। आह दुर्गेश, मजा आ गया खाना खाके। क्या तारीफ करूँ आपकी, मेरा मतलब है आपके खाने की। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाती है आप। थैंक यू सो मच। बॉस, आपका जब भी कुछ खाने का मन करे आप बस यहाँ पे आ जाए कीजिए। मेरा फेवरेट चीज अभी तक नहीं आया। अरे बस अब भी लाती हूँ मैं। ये लीजिए। वाओ, वाओ दर्वेश, ऐसा आइसक्रीम, ऐसा खाना, मैं तो बार बार आऊंगा खाने। अरे बॉस, आप कभी भी आ सकते हैं, है ना श्री? आपका जब मन चाहिए तब आइएगा और मैं हमेशा ये आइसक्रीम बनाऊंगी। चलेगा ना, आप कभी भी आ सकते हैं। खाइए बॉस, आइसक्रीम पिघल जाएगी। थैंक यू बॉस। आज बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू। ठीक है मैं चलता हूँ ना। ओके।
बॉस का फोन। हेलो। हेलो दुर्गेश, सो गए क्या? नहीं सर, कुछ काम था क्या ऑफिस का? मैं तुम्हारे प्रमोशन के रिगार्डिंग के बारे में सोच रहा था। प्रमोशन? लेकिन दुर्गेश, एक शर्त है प्रमोशन के लिए। शर्त? कैसी शर्त सर? देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। अरे तुम्हें कुछ खोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त तुम्हारे वाइफ के साथ मजबूर रहा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? अरे दुर्गेश, मुझे गलत मत समझो, तुम्हारी वाइफ मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर पाया, समझ लेना। लेकिन सर वो मेरी बीवी है। अरे कोई बात नहीं, तुम जब कहोगे तब, ठीक है? अब सोच लो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती, ट्रिपल सैलरी हो जाएगी, ऑफिस की तरफ से तुम्हें 2 BHK फ्लैट मिलेगा, और मेरी तरफ से एक शानदार कार। अब तुम्हारे हाथ में, तुम अपनी जिंदगी बनाओ या बिगाड़ो। मैं प्रमोशन जो मैंने बोला वो पक्का मैं। तुम्हें कुछ खोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त तुम्हारे वाइफ के साथ मजबूर रहा है बस। अब सोच लो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ट्रिपल सैलरी हो जाएगी, ऑफिस की तरफ से तुम्हें 2 BHK फ्लैट मिलेगा, और मेरी तरफ से एक शानदार कार। इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ कुछ काम था। सूरज के पश्चिम से हो गए? ऑफ कोर्स। और मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा बात सुनो, आज शाम को बॉस आ रहे हैं, तुम अच्छे से कुछ बना देना और अच्छे से रेडी भी हो जाना, ठीक है? फिर से आ रहे हैं? हाँ बाबा, प्रमोशन के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, समझे? अब तो देखना मैं इतना सही बनाऊंगी ना कुछ कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थैंक यू, लव यू, बाय। Cheers. सर, प्रमोशन तो मुझे चाहिए,
और किसी भी हालात में चाहिए, और उसके लिए मैं आपकी शर्त के लिए भी एग्री करता हूँ। नाइस, चलो अच्छी बात है, पैसे के इम्पोर्टेंट तुम समझ गए। मैंने खुद घर पे बनाया। वाओ, इसके साथ ये तो चकना का काम करेगा। जी सर, श्री बहुत अच्छा बनाती है। कमाल है। लीजिए ना। मैं तो ले ही रहा हूँ, मगर आप कुछ ले ले रहे हैं? मैं एक्चुअली ड्रिंक नहीं करती। दुर्गेश, ऐसे नहीं चलेगा। अरे श्री, बॉस बोल रहे हैं तो ले लो। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाता हूँ। बहुत अच्छा बनाई है, मगर आप लोग आप ऐसा क्यों हैं? आप ड्रिंक सॉन्ग्स क्यों नहीं लेते? कभी पिया नहीं। दुर्गेश आपकी बहुत तारीफ करते हैं, हमेशा बताते रहते हैं आपके बारे में। आप इतने एजुकेटेड हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते? घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। दुर्गेश भी बोलते रहते हैं कि कहीं जॉब या खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, टाइम ही नहीं मिल पाता है। नहीं करना चाहिए, हाउसवाइफ ओनली हाउसवाइफ, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए ना। Cheers. अभी टेस्ट नहीं किया ना, पहली बार में बहुत ही अजीब लग रहा है। धीरे धीरे। It was so good. एक पैक और दो मुझे। जाओ ना बना के दो। हाँ हाँ बनाता। तुम्हारा भी काम हो जाएगा। मजा आ गया, कड़क जो बोला हूं वो करूंगा। ठीक है सर, अब मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे मेरी प्रमोशन चाहिए। देख दुर्गेश, तेरी बीवी इतनी सुंदर है, एक बार मैं बन नहीं, और तेरे को जो चीज दूंगा ना इससे ऊपर है, गाड़ी दूंगा बंगला। लेकिन बॉस हमारी एक बार की बात हुई थी। मैं करूंगा ना प्रमोशन, दे रहा हूँ तेरे को, और क्या चाहिए, फ्लैट मिलेगा और क्या चाहिए तेरे को। हाँ दुर्गेश, और एक बात, कल अर्जेंट मीटिंग है, टाइम से आ जा, मैं जो बोला हूँ करूंगा। ठीक है चल रिलैक्स। जी बॉस। Thank you.
जो बोला हो वो करूंगा, ठीक है? सर अब मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे मेरी प्रमोशन। एक दुर्गेश, तेरी बीवी इतनी सुंदर है, एक बार मैं और तेरे को जो चीज दूंगा ना इससे ऊपर है, गाड़ी दूंगा बदला। क्या तुम थक गई थी ना इसीलिए। सर घूम रहा है, तो आपको कुछ हुआ था क्या? अरे कुछ नहीं, तुमने वाइन ज्यादा पी ली थी ना तो इसलिए तुम्हें चक्कर आ गया था और मैं तुम्हें रूम में छोड़ आया। मुझे कुछ याद ही नहीं है कल रात को क्या हुआ, कब मैं सोई कब उठी, सिर फट रहा है मेरा। चाय पियोगे? हाँ चाय पी। चाय बना। चलो ना, इतनी रात हो गई है, चलो सोने चलो। अभी मुझे बहुत काम है, अभी नहीं आ। अभी नहीं कभी नहीं, कब आओगे फिर? तुमको ना मेरी कोई चिंता नहीं बची है, पूरे टाइम बस तुम प्रमोशन में लगे रहते हो। तुमको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? इस बार भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। ठीक है दिल छोटा नहीं करो, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। कब हो जाएगा? तुम पता है ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। I know baby, but it's okay now. तुम जाओ सो जाओ, मैं अभी नहीं आ सकता। अभी तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, प्लीज कम बैठो ना, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना ये प्रमोशन मेरे लिए कितना जरूरी है। ठीक है अपना काम जल्दी फिनिश करो। हाँ मुझे ये काम करना ही हो, तुम जाके सो जाओ। पूरा एक महीना हो गया, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं, आपने जो बोला मैंने वो किया, लेकिन अभी तक मेरी प्रमोशन नहीं हुई। एक बात बता दो गणेश, मैंने जो आज तक बोला किया नहीं, प्रमोशन तेरा होगा पक्का 100% होगा। लेकिन बॉस कब होगा? एक बार और लास्ट, जो जो बोला हूँ प्रॉमिस मैं कंप्लीट करूंगा और इसी मंथ में कंप्लीट करूंगा तेरा। बहुत अब समझते क्यों नहीं हो? मैंने बोला ना, तेरे को जो बोला प्रॉमिस किया मैंने, इस मंथ में करूंगा, लास्ट चांस, बस एक बार। ठीक है
ठीक है बॉस, लेकिन लास्ट टाइम। पक्का तेरा प्रमोशन करूंगा, फूल हो जा। हेलो सर। हाँ दुर्गेश, सब रेडी है ना? हाँ 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 सर, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, आ जाइए सर। ओके। श्री, तू है कमाल की। ओवरटाइम करने की क्या जरूरत है, जितनी सैलरी उतना सही है हमारे लिए। डार्लिंग, मुझे इसी महीने में ना प्रमोशन चाहिए। बिल्कुल बॉस, और श्री बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप एक बार खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। प्रमोशन तो मुझे चाहिए और किसी भी हालात में चाहिए, और उसके लिए मैं आपकी शर्त के लिए भी एग्री करता हूं। श्री, बॉस आ रहे हैं। चीयर्स। अरे दो बाबा। अरे हाँ, प्रमोशन से याद आया, कल शाम को ना बॉस आ रहे हैं डिनर में, तो कुछ बढ़िया सा बना देना, क्या पता तुम्हारे खाने से इंप्रेस हो जाए।
तेरे को जो बोला प्रॉमिस किया मैंने इस मंथ में करूंगा लास्ट चांस बस एक बार बोलो ना क्या हुआ मेरे साथ धोखा हुआ मुझे इस बार भी प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन तुम्हारे बॉस तो तुमसे कितने इम्प्रेस थे ना और दोनों बार डिनर पे आए थे क्या हो गया ऐसा ये सब उस कमीने बॉस की वजह से हुआ वो हाथी है हाथी उसके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है प्लीज प्लीज रो मत ये सब उसी की वजह से हुआ मेरी सारी मेहनत और उसके लिए मैंने ना जाने संभालो अपने आप को प्लीज रो मत श्री तुम मेरी एक बात मानोगी बोलो श्री तुम Are you sure? Harsh, please. Okay. Please. आइए बॉस. Surprise. Yes, boss. मैं समझा नहीं किस लिए बुलाए? Boss. मुझे प्रमोशन चाहिए yes. तो हमेशा की तरह आपके लिए रेडी है क्या कड़क चलिए अंदर कुछ तो दिखा नहीं दे रहा आराम छोड़ क्या कर रहे तू गैस आस्तीन के सांप अरे अपने बॉस से ऐसे बात करेगा बॉस तू एक नंबर का घटिया इंसान है तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया अपनी बेटी जैसी भी मैं तुझे जान से मार डालूंगा देख दुर्गेश तेरा प्रमोशन मैं कर दूंगा तेरी पैसा तेरी प्रमोशन गई तेरे लिए मैं जान चुका हूँ तू एक नंबर का हरामी आदमी है तू मुझे प्रमोशन कभी नहीं देगा सिर्फ तेरी जान लेना चाहता हूँ समझा तू मैं जान चुका हूँ तू इतना बड़ा हरामी है तूने जो मेरे साथ किया है जाने तू कितनों के साथ करता हो कितनों की बीवियों की जिंदगी के साथ खेलता होगा तुझसे प्रमोशन चाहिए भी नहीं देख दुर्गेश मैं बहुत पैसा दूंगा तेरे को मैं 50% तेरे को दे दूंगा तू मुझे पैसा देगा तूने मेरी और मेरी वाइफ की जिंदगी के साथ खेला है जो चाहिए तेरे को देगा दुर्गेश ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए दुर्गेश मैं तेरे को प्लान करा रहा हूं ओके छोड़ मुझको ऐसा मत कर दुर्गेश जान से मार डालूंगा दुर्गेश Look,